हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट 5 के टॉपिक मैग्निफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम मैग्निफिकेशन आवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन में पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन रूप स्थानांतरण के बारे में पढ़ा था। उसके बाद सेकंड हमने रोटेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम मैग्नीफिकेशन आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। W बराबर सी जेड, सी ग्रेटर देन जीरो। इस रूपांतर के अंतर्गत जेड समतल की आकृति जेड की दिशा में विस्तृत स्ट्रेच्ड होती है जब सी ग्रेटर देन वन, या जेड की दिशा में संकुचित होती है जब विस्तृत होगी, स्ट्रेच्ड होगी जब सी क्या हो ग्रेटर देन वन हो, और जब जेड की दिशा में संकुचित होगी कॉन्ट्रैक्ट होगी जब सी का मान क्या हो जीरो से तो बड़ा हो लेकिन लेस देन वन हो। अतः इस रूपांतर के अंतर्गत किसी बिंदु ए का प्रतिबिंब बिंदु बी प्राप्त करने हेतु जब सी लेस देन वन हो तो ओ ए पर ऐसा बिंदु बी ले ताकि ओ बी बराबर सी इंटू ओ ए, तथा सी ग्रेटर देन वन हो तो ओ ए बड़ी पर बी ऐसा बिंदु लें कि ओ बी बराबर सी इंटू ओ ए। तो ओ ए पर बड़ी पर क्या लेंगे बी बिंदु ऐसा लेंगे कि ओ बी बराबर क्या हो सी इंटू ओ ए हो, और अगर सी लेस देन वन हो तो ओ ए पर ऐसा बिंदु बी लें तो क्या होगा ओ बी बराबर सी इंटू ओ ए होगा। तो दो कंडीशन बनती है डब्ल्यू बराबर सी जेड जो आवर्धन है मैग्निफिकेशन है उसमें अगर सी ग्रेटर देन वन है तब तो क्या होगी विस्तृत होगा, और सी लेस देन वन है तो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट संकुचित होता है। अब इसको हम निम्न एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखें, जेड समतल में रेखाओं एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो एक्स प्लस वाई बराबर वन से परिसीमित त्रिभुजाकार क्षेत्र का रूपांतरण डब्लू बराबर टू जेड के अंतर्गत प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। डब्लू बराबर टू जेड के अंतर्गत प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखें, डब्लू बराबर होता है यू प्लस आयोटा बी तथा जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। तो डब्लू बराबर कितना है टू जेड, तो इम्प्लाई डेट डब्ल्यू बराबर लिखेंगे आप यू प्लस आयोटा वी बराबर ट्वाइस इंटू जेड, जेड का मान कितना है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ट्वाइस एक्स प्लस आयोटा इंटू ट्वाइस वाई। तो दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तो इम्प्लाई डेट यू बराबर ट्वाइस एक्स एंड वी बराबर ट्वाइस वाई, तो यू बराबर कितना होगा ट्वाइस एक्स और वी बराबर ट्वाइस वाई। तो देखें सबसे पहले जेड समतल में रेखाएं दे रखी है उनसे बना हम क्षेत्र देखेंगे क्या क्षेत्र बनता है, फिर हम डब्ल्यू समतल में जो रेखाएं प्राप्त होगी उनसे बना क्षेत्र देखेंगे तो क्या प्राप्त होता है। तो ये देखते हैं रूपांतरण में अधिकतर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो डब्ल्यू में दो तीन रेखाएं दे रखी है एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो और एक्स प्लस वाई बराबर वन। तो चूंकि एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं तो जेड प्लेन में एक्स वाई एक्सिस होती है, और जबकि डब्ल्यू प्लेन क्या होता है यू वी, यू ए एक्स एक्सिस का काम करता है और बी ए वाई एक्सिस का काम एक्सिस की तरह होता है। तो x एक्सिस पे चूंकि x बराबर जीरो रेखा क्या होगी y एक्सिस पे होगी, और y बराबर जीरो होगी x एक्सिस पे, और x प्लस y बराबर वन है वो ये लाइन होगी जो आपको खींच रखे। चूंकि x प्लस y बराबर वन है इसका मतलब इसमें y एक्सिस पे क्या होगा x जीरो होगा तो जीरो कोमा वन बिंदु मिलेगा, और x एक्सिस पर y बराबर जीरो होगा तो क्या बिंदु मिलेगा वन कोमा जीरो। तो ये क्षेत्र प्राप्त हुआ, तो एक तरीके से त्रिभुजाकार क्षेत्र प्राप्त हुआ, त्रिभुज जैसी क्या है शेप है आकृति है, तो इस क्षेत्र डी क्षेत्र प्राप्त हो गया। अगर डब्लू प्लेन में देखें हम डी डैश क्षेत्र निकालें तो कैसे प्राप्त होगा देखें, तो एक्स बराबर जीरो लिखेंगे तब हमें यू बराबर जीरो प्राप्त होगा, तो यू और बी एक्सिस ले लिए तो यू बराबर जीरो है बी एक्सिस पे होगा, और वाई बराबर जीरो लिखेंगे हम तो हमें बी बराबर जीरो प्राप्त होगा तो वो होगा यू एक्सिस पे। इसके बाद एक्स प्लस वाई बराबर वन, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, तो उसमें एक्स का मान लिखेंगे एक्स का मान कितना है यू बटे टू प्लस बी बटे टू, तो यू प्लस बी इक्वल टू टू प्राप्त होगा। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन की तरह रेखा क्या है यू प्लस बी इक्वल टू टू, तो दो क्या है यहाँ पे अंतःखंड है इसका, तो ये रेखा भी सेम प्राप्त होगी, थोड़ी सी बड़ा हुआ आता जाएगा जो एरिया है वो कितना हो जाएगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। पॉइंट है वन कोमा जीरो की जगह कहाँ पहुँच गया टू कोमा जीरो पर पहुँच गया, और वाई एक्सिस में जो जीरो कोमा वन था तो वो बी एक्सिस में क्या हो गया जीरो कोमा टू। तो यहाँ क्षेत्र प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ डी डैश, लेकिन दोनों में क्या आकृति सेम है, इसमें भी त्रिभुजाकार था तो इसमें भी त्रिभुजाकार है। तो आते हैं जेड समतल की रेखा हो एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो एक्स प्लस वाई वन के डब्लू समतल में प्रतिबिंब यू बराबर जीरो बी बराबर जीरो तथा यू प्लस बी इक्वल टू टू होंगे, इनमें परिसीमित क्षेत्र डी डैश ही जेड समतल के त्रिभुजाकार क्षेत्र डी का प्रतिबिंब है। तो जो प्रतिबिंब है वो त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्या प्राप्त हुआ डी डैश भी त्रिभुजाकार प्राप्त होता है।
तो ये आपका टॉपिक क्लियर है। इसके बाद अगला जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो है रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन, घूर्णन एवं आवर्धन। जो घूर्णन आपने पढ़ा था और आवर्धन दोनों को कंबाइन करके लिख रहे हैं। अगला जो ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या है, रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन, घूर्णन एवं आवर्धन। द डब्ल्यू इक्वल टू बीटा इंटू जेड, यदि डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो, रो इंटू ई की पावर आयोटा फाई, और बीटा इक्वल टू हो वी इंटू ई की पावर आयोटा साई, और जेड इक्वल टू हो आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, तो डब्ल्यू इक्वल टू बीटा इंटू जेड इंप्लाई डेट डब्ल्यू इक्वल टू लिखेंगे रो इंटू ई की पावर आयोटा फाई इक्वल टू बीटा बी इंटू ई की पावर आयोटा साई इंटू आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू बी आर इंटू ई की पावर आयोटा साई प्लस थीटा। तो दोनों पक्षों में अब क्या करें, चूंकि किस कौन से फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, चूंकि घूर्णन की बात हो रही है रोटेशन, तो कौन से फॉर्म में, पोलर फॉर्म। तो दोनों पक्षों में एम्पलीट्यूड तथा मॉडुलस की तुलना करने पर, मापांक तथा इसकी दिशा क्या है उनकी तुलना करेंगे, तो रो इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ बी आर, तथा फाई इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ साई प्लस थीटा। अतः इस रूपांतरण के अंतर्गत जेड समतल के बिंदु ए आर को थीटा का डब्ल्यू समतल में प्रतिबिंब बिंदु बी, प्रतिबिंब बिंदु क्या प्राप्त होगा बी आर कोमा साई प्लस थीटा है। तो आर कोमा थीटा की जगह में आर की जगह क्या प्राप्त हो गया वी आर, मापांक के मॉडुलस कितना हो गया आर की जगह वी आर हो गया, एंड थीटा जो एम्पलीट्यूड है कोणांक उसकी जगह कितना हो गया साई प्लस थीटा, प्रतिबिंब बिंदु ये। अब इसका आप फिगर देखें, तो एक्स एक्सिस है, एक तो हमने ली एक्स एक्सिस, और दूसरी क्या है तो ओ है क्या है और ध्रुव का काम करेगा, क्योंकि हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो ओ यहाँ पे किसकी तरह काम करता है पोल की तरह काम करता है ध्रुव की तरह, और एक्स वाई एक्सिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो उसमें किसका काम करता है ओरिजिन का काम करता है, तो वो किसका काम करेगा पोल का। ये लिया हमने एक्स, और ये बी बिंदु, बी हमने बिंदु लिया, इसके क्या है बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने हैं बी आर कोमा थीटा प्लस साई, बी आर कोमा थीटा प्लस साई, चूँकि आर कोमा थीटा होता था इस प्रकार से। तो ए बिंदु की बात कर रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं जेड समतल, ये कोऑर्डिनेट है वो क्या है जेड प्लेन में, तो आर कोमा थीटा होता है, तो ये कोऑर्डिनेट है आर कोमा थीटा, और थीटा जो एक्स एक्सिस वास्तविक अक्ष के साथ एंटी क्लॉक वाइज दिशा में बनाया गया कोण, धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण कितना है थीटा, या ए आर कोमा थीटा हो गया। इसके बाद रो की बात करेंगे, रो में क्या है रो इक्वल टू कितना रो इन टू की पावर आयोटा साई, पी बिंदु है वो कितना बी कोमा साई, बी कोमा साई है बी कोमा साई, रो इक्वल टू कितना बी कोमा साई, तो एंगल कितना बन जाएगा साई, किसके साथ ए के साथ, क्या बना लिया साई। और लास्ट दो पॉइंट है बी की बात कर रहे हैं, लास्ट पॉइंट प्राप्त हुआ जो डब्ल्यू प्लेन में, जो हमारा जेड प्लेन है उसको उसका प्रतिबिंब हमें किस में प्राप्त होता है डब्ल्यू प्लेन में, तो डब्ल्यू प्लेन में प्रतिबिंब प्राप्त हुआ उसके बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, उस बिंदु को हमने बी से डिनोट किया है, उसके निर्देशांक है बी आर कोमा थीटा प्लस साई, तो बिंदु P लिखेंगे, पहले बिंदु P लिखा था, बिंदु P क्या है बिंदु P वो है हमारा W के निर्देशांक, W के निर्देशांक, W को हमने रिप्रेजेंटेड W चूंकि हमारा था W बराबर बीटा इंटू जेड, तो बीटा के कोऑर्डिनेट, बीटा के कोऑर्डिनेट था, तो बीटा है उसका क्या लिखा, किस रूप में लिया था बीटा को हमने V इंटू की पावर आयोटा साई, तो वो क्या था बीच का बिंदु, पहला पॉइंट है जेड प्लेन में ए बिंदु लिया, ए बिंदु, ए बिंदु के निर्देशांक कितने आर कोमा थीटा उसको दर्शा दिया आपने फिगर के अंदर। अब हमें बिंदु किसको टिकाना है बीटा का, बीटा के कोऑर्डिनेट क्या बी इंटू की पावर आयोटा साई, तो बी क्या है मॉडुलस का काम कर रहा है, तथा साई कौन है एंगल है किसके साथ ए के साथ बनाया गया कौन, चूंकि ये वास्तविक अक्ष के साथ नहीं बना रहा कौन, किसके साथ बना रहा है ए के साथ, सॉरी, तो साई जो भी हमेशा कौन होता है जो भी एम्पलीट्यूड होता है वो हमेशा वास्तविक अक्ष के साथ आता है एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष से वास्तविक अक्ष काम करती है, तो वास्तविक अक्ष के साथ बनाया गया कोण यहाँ पे कितना है साई, तो ये साई लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें अगला जो कोण है, अगले कोण बात हो रही बिंदु बी की बात हो रही है जो कि डब्ल्यू प्लेन में, उसकी जो बी आर कोमा थीटा प्लस साई, तो कोण बनाया गया कोण कितना है थीटा प्लस साई, जो कि वास्तविक अक्ष के साथ बनाया गया कोण कितना है थीटा प्लस साई, तो ये फिगर दर्शा दिया, तो सेम फिगर है दोनों, सेम एज इट इज आकृति आ रही है, वह सिर्फ और सिर्फ किसका अंतर आ रहा है एम्पलीट्यूड का अंतर आ रहा है, कोणांक कोण बदल रहा है और मापांक भी बदल रहा है, जैसे ए बिंदु पर मापांक था आर, वहाँ पे कितना हो गया बी आर। तो आते हैं इस रूपांतर के अंतर्गत जेड समतल के बिंदु ए आर कोमा थीटा का डब्ल्यू समतल में प्रतिबिंब बिंदु बी है वो बी आर कोमा थीटा प्लस साई है, स्पष्ट है जेड समतल में ए का प्रतिबिंब प्राप्त करने जेड समतल में ए का प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु पहले ओ ए को मूल बिंदु के सापेक्ष, पहले ओ ए को मूल बिंदु के सापेक्ष साई इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ बीटा कोण से घुमा दें, तदुपरांत ओ पी को
मॉडुलस ऑफ बीटा अनुपात एक के अनुपात में आवर्धित कर दें के अनुपात में क्या कर दें, आवर्धित कर दें। ओपी को किसके अनुपात में आवर्धित करेंगे, बीटा अनुपात एक में, मॉडुलस ऑफ बीटा अनुपात एक के अनुपात में क्या कर दें, आवर्धित कर दें। तो ये आपका क्या हो गया इसका आठ। अब इसको इस जो टॉपिक है घूर्णन एवं आवर्धन को निम्न एग्जांपल की सहायता से समझ सकते हैं। एग्जांपल देखें, मान लीजिए जेड समतल में आयतीय क्षेत्र डी एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो एक्स बराबर दो वाई बराबर तीन से परिबद्ध है और डब्ल्यू समतल में क्षेत्र डी डैश ज्ञात कीजिए जिसमें रूपांतर डब्ल्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू की पावर आयोटा पाई बाई फोर इंटू जेड द्वारा प्रतिचित्रित होती है। तो सॉल्यूशन देखें, यदि w इक्वल टू क्या होता है u प्लस आयोटा b और z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y, तो w की जगह हमने लिख दिया u प्लस आयोटा y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ टू इन टू की पावर आयोटा फाइव बाई फोर इंटू जेड की जगह लिख दिया x प्लस आयोटा y, तो बराबर स्क्वायर रूट ऑफ टू इन टू ई की पावर आयोटा थीटा, आयलर थ्योरम तो होती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस फाइव बाई फोर प्लस आयोटा इंटू साइन फाइव बाई फोर इंटू x प्लस आयोटा y, तो u प्लस आयोटा v इक्वल टू, तो चूँकि कॉस ऑफ पाई बाई फोर और साइन ऑफ पाई बाई फोर दोनों मान कितना होता है वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू वन अपॉन अंडर रूट टू, तो स्क्वायर रूट ऑफ टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा वन प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो बराबर अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वास्तविक भाग को एक साथ लिख देंगे और काल्पनिक भाग को एक साथ, तो बराबर एक्स माइनस वाई प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई, तो दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तो यू इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ एक्स माइनस वाई तथा बी इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले जो जेड प्लेन है उसमें फिगर बनाना है आपको, जो कि जी डी क्षेत्र का निर्माण करना है, तो उसमें रेखा कौन कौन सी है, चूँकि एक्स एक्सिस ले लिया एक वाई एक्सिस ले लिया, वो क्या है ओरिजिन का काम कर रहा है, तो एक्स बराबर जीरो कहाँ होगा वाई एक्सिस पे होगा, वाई बराबर जीरो कहाँ होगा एक्स एक्सिस पे होगा, एक्स बराबर दो है वाई एक्स के पैरेलल होगा और वाई बराबर तीन है वो एक्स एक्स के पैरेलल होगा, तो इनसे बनी आकृति क्या है आयतीय आकृति प्राप्त हुई। डी क्षेत्र कैसा है आयतीय। इसके बाद डी डैश का निर्माण करना है, तो डी डैश का निर्माण करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले रेखा कितनी है एक्स बराबर जीरो, एक है वाई बराबर जीरो, एक है एक्स बराबर दो, एक वाई बराबर तीन, तो एक्स बराबर जीरो लिखेंगे। तो इस प्रकार पहली रेखा प्राप्त होगी हमें एक्स बराबर जीरो रखें इसमें, तो एक्स बराबर जीरो लिखा आपने तो यू बराबर माइनस वाई और बी इक्वल टू प्लस वाई, तो कितना आया यू प्लस बी इक्वल टू जीरो, यू इक्वल टू माइनस वाई बी इक्वल टू वाई, तो बराबर बी इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ माइनस यू में प्रतिचित्रित होती है। रेखा हम वाई बराबर जीरो लिखेंगे तो यू बराबर एक्स बी बराबर एक्स, तो या तो अनएम्प्लाइड एट बी बराबर यू में प्रतिचित्रित होती है, जब एक्स बराबर दो लिखेंगे तो यू इक्वल टू प्राप्त होगा टू माइनस वाई और बी इक्वल टू टू प्लस वाई, तो दोनों को जोड़ेंगे यू प्लस बी इक्वल टू फोर में प्रतिचित्रित होती है जो रेखा प्रतिम प्राप्त होती है, और रेखा वाई बराबर तीन का हम प्रतिम ज्ञात करें तो यू इक्वल टू एक्स माइनस थ्री बी इक्वल टू एक्स प्लस तीन, तो बी माइनस यू इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ हमें सिक्स प्राप्त हुआ, वाई बराबर तीन लिखा तो कितना प्राप्त हुआ बी माइनस यू इक्वल टू सिक्स में रूपांतरित होती है। तो इनसे बना गया कौन देखेंगे, इन रेखाओं से इस प्रकार दिया गया रूप, इस जो रेखाएं इन रेखा बनी है उनसे हम डब्ल्यू प्लेन में देखते हैं कि जो क्षेत्र है वो क्या प्राप्त होता है। तो पहली रेखा है बी इक्वल टू माइनस यू, चूँकि बी है वो वाई एक्सिस का काम करता है और यू है एक्स एक्सिस का काम करता है, तो वाई इक्वल टू माइनस है एम एक्स का काम कर रही है, तो पहली रेखा प्राप्त होगी बी इक्वल टू माइनस यू, दूसरी है बी इक्वल टू यू तो वाई एम एक्स किस तरह, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बी इक्वल टू यू प्राप्त होगी। अगली रेखा है हमारी बी प्लस यू इक्वल टू फोर, तो बी प्लस यू इक्वल टू फोर, तो आप देखो इसमें क्या है एक्स एक्सिस पे तो चूँकि अंतखंड फोर है तो एक एक्स एक्सिस फोर अंतखंड काटेगा फोर कॉमा जीरो काटेगा और वाई पे काटेगा जीरो कॉमा फोर पे, तो ये बी प्लस यू इक्वल टू फोर रेखा प्राप्त होगी। अगली रेखा है बी माइनस यू इक्वल टू सिक्स, तो बी माइनस देखो बी प्लस यू इक्वल टू फोर है इसका मतलब है कि रेखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्राप्त होगी, चूँकि फोर कॉमा जीरो और जीरो कॉमा फोर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्राप्त हुई। अगली रेखा हमारी बी माइनस यू इक्वल टू सिक्स, तो b माइनस यू इक्वल टू सिक्स है, तो इसमें देखें आप अगर मैं इसमें b इक्वल टू जीरो लेंगे तो u हमें माइनस सिक्स कॉमा जीरो प्राप्त होगा, तो माइनस सिक्स कॉमा जीरो वो थर्ड क्वाड्रेंट में प्राप्त होता है, माइनस सिक्स कॉमा जीरो कहाँ प्राप्त होगा थर्ड क्वाड्रेंट में प्राप्त होगा, और अगर मैं u इक्वल टू जीरो लूँगा तो b इक्वल टू प्राप्त होगा सिक्स, तो जीरो कॉमा सिक्स है वो b एक्सिस पर प्राप्त होगा, तो ये रेखा हमें किस क्वाड्रेंट में मिलेगी सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगी, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगी, चूँकि माइनस सिक्स कॉमा जीरो है वो यू एक्सिस पे प्राप्त होगा लेकिन किस डायरेक्शन में, जो ओरिजन है उसके लेफ्ट साइड में प्राप्त होगा, क्योंकि ओरिजन के राइट साइड में जो भी पॉइंट होते हैं यू एक्सिस के क्या होती है पॉजिटिव संख्या आती है सभी, और जो ओरिजन के लेफ्ट साइड में जो भी संख्या होती है वो क्या आती है नेगेटिव, इसलिए माइनस सिक्स कॉमा जीरो प्राप्त होगा,
और चूंकि v इक्वल टू कितना 6, तो 0.6 प्राप्त होगी। तो ये जो लाइन है वो कहाँ प्राप्त होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में प्राप्त होगी। तो ये देखा v माइनस u इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया 6। लेकिन इसमें ये भी क्षेत्र एक तरीके से आयतीय क्षेत्र है, लेकिन ये किस कोण से घूम गया, 45 डिग्री के कोण से, किससे 45 डिग्री कोण से। तो देखें इस प्रकार दिया गया रूपांतरण डी को, डी रूपांतरण डी जो क्षेत्र डी था उसमें वो क्षेत्र डी डैश बनाया, वो उसमें डी को हमने किस कोण से घुमा दिया, 45 डिग्री कोण से। इस पर दिया गया रूपांतरण डी को 45 डिग्री से घुमाता है तथा किस कोण से घुमाता है, 45 डिग्री के कोण से घुमाता है तथा स्क्वायर रूट ऑफ 2 लंबाई से आवर्धित होता है। स्क्वायर रूट ऑफ किससे आवर्धित होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 लंबाई से आवर्धित होता है। तो दिए गए रूपांतरण को किस कोण से घुमाता है, 45 डिग्री के कोण से घुमा देता है। चूँकि ये जो जेड प्लेन में डी क्षेत्र प्राप्त हुआ, और इस क्षेत्र को हम अगर 45 डिग्री के कोण से घुमा दें और स्क्वायर रूट ऑफ 2 लंबाई से क्या कर दें, आवर्धित कर दें, तो हमें जो डब्ल्यू प्लेन में वो क्षेत्र डी डैश प्राप्त होता है। जो रूपांतरण डी कोण से घुमाता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 लंबाई से क्या होता है, आवर्धित होता है। तो ये आपका जो रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, घूर्णन तथा आवर्धन से रिलेटेड जो टॉपिक था उसको हमने एग्जांपल की सहायता से आपको समझाया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको दो रूपांतरणों के बारे में पढ़ाया। पहला था हमारा मैग्निफिकेशन, आवर्धन उसके बारे में पढ़ाया। उस आवर्धन जो रूपांतरण होता है डब्ल्यू इक्वल टू सी जेड प्रकार का होता है। अगर सी ग्रेटर देन वन लें जब तो ये क्या होता है, बढ़ता है, और सी लेस देन वन लें तो क्या होता है, संकुचित होता है, आवर्धित होता है। ग्रेटर देन बन लेंगे और बन ले लेस देन बन लेंगे तो संकुचित होता है। इसके बाद हमने अगला जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो पढ़ाया आपको, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, ना घूर्णन एवं आवर्धन के बारे में पढ़ाया। दोनों ही जो रूप ट्रांसफॉर्मेशन थे उनको मैंने एग्जांपल की सहायता से आपको समझाया। तो आपको जब भी टाइम मिले इन दोनों जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए उन्हें बड़े ध्यान से पढ़ें, जिससे इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा होगा उसे करने में आपको परेशानी नहीं हो। साथ ही इनसे रिलेटेड जो भी अगली क्लास में हम रूपांतरण पढ़ेंगे, इन्वर्सन प्रतिलोमन, उसे समझने में आपको परेशानी नहीं हो। ओके स्टूडेंट।